हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बैरकपुर सिनेट पब्लिक स्कूल दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर निकिता अग्रवाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास फोर इंग्लिश लिटरेचर यूनिट टू पोएम बटर कप्स एंड डेजीज सो लेट्स स्टार्ट द पोएम बटर कप्स एंड डेजीज बटर कप्स एंड डेजीज ओ प्र फ्लावर्स तो बटर कप्स और डेजीज क्या है दोनों अलग अलग फ्लावर्स है फ्लावर्स के नाम है ठीक है तो पोएट कह रहे हैं कि बटर कप्स एंड डेजीज ओ द प्रटी फ्लावर्स प्रीटी फ्लावर मतलब देखने में बड़े सुंदर हैं कमिंग ईयर द स्प्रिंग टाइम टू चल ऑफ सनी आवर्स तो बटरकप्स और डेजीज कब आते हैं स्प्रिंग सीजन में आते हैं ठीक है ये दोनों जो फ्लावर्स हैं ये स्प्रिंग सीजन में आते हैं और हमें क्या बता रहा है सनी आवर्स के बारे में कि अब ठंड गया अब धूप के खिलने की बारी है और देखना स्प्रिंग सीजन में क्या होता है ना तो ठंड होता है ना तो गर्मी होता है ठीक है और धूप भी हमें सूदिंग लगता है तो अब वैसे सीजन्स में ये दोनों फ्लावर्स आए हैं वाइल्ड द ट्रीज़ आर लीफलेस ट्रीज़ लीफलेस हो गया है मतलब का क्या है कि ठंड के टाइम पे क्या होता है ट्रीज जो है वो पतझड़ हो जाता है ठीक है ट्रीज़ में कोई भी पत्ते नहीं रहते हैं वाइल्ड द ट्रीज़ आर लीफलेस वाइल्ड द फील्ड्स आर बैर फील्ड्स आर बैर मतलब ठंड के टाइम पे जो खेत है वो भी हरियाली नहीं रहता है उस खेत में हरियालियाँ नहीं रहती हैं बटर कप्स एंड डेज़ीज़ साइन अप हेयर एंड डेयर पर जब बटर कप्स और डेजीज आ रहे हैं तो वो अपने साथ स्प्रिंग भी लेकर के आ रहे हैं तो जैसे ही बटर कप्स और डेजीज आए हैं उसी तरह ट्रीज में पत्ते आ गए हैं उसके बाद फील्ड जो है उसमें हरियाली आ गई है ठीक है तो स्प्रिंग हेयर एंड डेयर चारों तरफ स्प्रिंग सीजन आ गया है नेक्स्ट सेकेंड स्टांसा में देखो ईयर द स्नो डॉप बीप्थ ईयर द क्राउच वोल्ड snowdrop मतलब ओस की बूंदे हर एक पत्तियों में गिर रही है ठीक है crouches bold मतलब ये भी एक तरह का फ्लावर है ठीक है year the early primroses opens its pale gold ओप्स मतलब होता है open तो रोज भी एक तरह का फ्लावर है जब वो ओपन हो रहा है तब लग रहा है कि गोल्ड है ठीक है somewhere on a sunny bank buttercups are bright कहीं पर बटरकप्स बहुत ब्राइट तरह से खिल रहा है बटरकप्स देखने में ब्राइट लग रहा है somewhere मोंग द फ्रोजन ग्रास पिप्स वाइट और कहीं पर फ्रोजन ग्रास के बीचों बीच डेजी वाइट कलर का बड़ा देखने में सुंदर लग रहा है नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर देखो वेलकम येल्लो बटर कप्स तो बटर कप्स कौन से कलर का होता है येल्लो कलर का तो पोएट बटर कप्स को वेलकम कर रहे हैं वेलकम डेजीज वाइट और डेजी वाइट कलर का होता है तो पोएट डेजीज को भी वेलकम कर रहे हैं ये आर इन माई स्पिरिट्स विजन डिलाइट देख मतलब इमेजिन करने से अंदर मन में खुशी आ जाता है कि मतलब ये फ्लावर्स देखने से इतना सुंदर लग रहे हैं कमिंग ईयर द स्प्रिंग टाइम ऑफ सनी आवर्स टू टेल स्प्रिंग सीजन में आ रहे हैं ये दोनों फ्लावर्स और हमें बताने के लिए कि अब सनी आवर्स आ रहा है स्पीकिंग टू आवर हर्ट्स ऑफ हिम हु डोथ ऑल थिंग्स वेल और लोग अपने मन में कह रहे कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने वाला है जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा वैसे ही चारों तरफ हरियाली चारों तरफ बड़ा सुंदर एटमोस्फियर होगा ठीक है एंड हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम मैरी ही वोट ठीक है सो आई होप कि ये पोएम तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया है इस पोएम को अच्छे से रीड करोगे इसका जितना भी स्टारी मटेरियल्स है सब तुम लोगों को ई डायरी में सेंड कर दिया गया है वहाँ से तुम लोग उसको नोट डाउन करोगे उसको लिखोगे उसको पढ़ोगे एंड दिस पोएम को भी अच्छे से पढ़ना है थैंक यू